एक हमने ककड़ी की पेड़ की थोड़ी प्रूनिंग कर ली है। प्रूनिंग कर ली है इसलिए कि इसको ज़्यादा ही घना हो रहा था, तो उसको प्रूनिंग करना ज़रूरी था। और ऊपर से ये जो ककड़ी आ रही है ना, तो उसके कारण उसका भी ये हो रहा था, तो हमने कुछ पत्तियाँ तोड़ दिए और इसको खड़े ही ऊपर में जाने देते, ऊपर में जाने देते ऐसे। ये देखिए अपना यह पूरे इस पे ये लगा था, रोग लाया था। रोग होने के रोग के पहले हमने नहीं किया, रोग के ऊपर हमने छिड़काव किया था नीम ऑयल का और नीम की पत्ती इसका। तो देखिए रिजल्ट आपके सामने है, पूरा मतलब पुरानी पत्तियां सभी मर गई, रोग ने ये कर लिया, लेकिन ये इसको बचा लिया पेड़ को। वो जो अपन ने डाला था ना लिक्विड फर्टिलाइजर, उससे थोड़ा मतलब उसको आराम मिला। मिर्ची भी अच्छी खासी बढ़ रही है, आलू तो मैंने कल के वीडियो में दिखाया आपको। ये इसको शिफ्टिंग शॉक लगा है, ये पेड़ को शिफ्टिंग शॉक लगा है, इसलिए स्लो ये अभी तक के मतलब बड़ी नहीं है। लेकिन ये वाले उबर गए, भिंडी उबर गई है, भिंडी उबर गई है। ये भी बहुत अच्छे है, अभी ये हो रही है। इससे ऐसी मट्टी से रोग रोग होता है, तो ये तोड़ ही काट ही डालना, जो मिट्टी के पास जो पत्ते चले जाते हैं ना उसको उड़ा ही डालना मिट्टी में। मिट्टी से ज़्यादा करके रोग जल्दी आता है, मिट्टी को जो टच होता है उसको उखाड़ ही डालना, रखना ही नहीं। ज़्यादा करके मिट्टी से ही जाते बोलना, जो भी रोग जाना है पेड़ों में। मिट्टी ऐसी कर लो कि उसमें कोई कीटाणु ना रहे, खाली पेड़ों के दोस्त ही रहे, मतलब उसके दुश्मन बहुत कम हो। इसलिए मिट्टी ऐसी तैयार कर लेना कि पेड़ों के दोस्त ही रहना चाहिए मिट्टी में, मतलब पेड़ों को अच्छा खासा बढ़त देंगे। तो हमने इसमें नीम का लिक्विड फर्टिलाइज़र मिक्स किया था, लिक्विड, वो भी ये नहीं था कीटाणु नाशक, मतलब मिट्टी के जो दोस्त रहते हैं ना, मिट्टी को जो बचाते हैं उनको वो बचाता है, लेकिन बाकी कीटाणु को ख़त्म कर डालेगा जो पेड़ों को खाते हैं। तो ऐसी ही ये है। अच्छा वो आपने देखा, हमने लिक्विड किया था तो घर पे ही आयुर्वेदिक प्रोसेस में आता है वो। ये बहुत ज़्यादा घना हो रहा है, उसको उसकी प्रूनिंग करना ज़रूरी है, उसकी प्रूनिंग सबसे पहले ज़रूरी है वो पेड़ की करना। बहुत ज़्यादा घना हो रहा है, नीचे से ऊपर बढ़ना चाहिए, नीचे कुछ ये नहीं है, नीचे की लीव अपन को काम की नहीं है, नीचे में कुछ ये नहीं है, तो इसकी भी प्रूनिंग कर लेते हैं अभी इस। और ये इसमें अपना ये देखिए सही घना, पालक भी सही लग रही है, बहुत अच्छी। ये पेड़ अभी मैच्योर होने का है, हमने मैच्योर के लिए इसका इसका बी धीरे 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 ये कर रहे हैं। ये पेड़ को जितना बड़ा मतलब घना करना पड़ेगा, तभी जाके ये अच्छा खासा ये होगा। अभी एक ही साल हुआ है ना, ये कलम लगा के हमने एक ही साल हुआ है, तो एक साल के अंदर में ये उतना ये नहीं होगा, तो कम से कम अच्छा खासा दो साल इसको होने देने का, थोड़ा सा मतलब घना हो जाता पेड़ तो अच्छा खासा फल देना चालू करता है। ये छोटेपन से फल लेना बोले तो उतने फल बड़े भी नहीं
होते हैं ये। और पेड़ क्या नाजुक है आज के डेट में, पेड़ भी बहुत नाजुक है ये फल का। ये आसामी मिर्ची है बहुत अच्छी ये हो रही, इसकी प्रूनिंग किया था, ये देखिए घने हो गए, मतलब 2 दिन में इसकी प्रूनिंग करने के बाद क्या घने हो रहे। प्रूनिंग करना ज़रूरी है, पेड़ों की प्रूनिंग किए तो आपने बहुत अच्छे घने होते हैं। ये केले के हमने प्रूनिंग किया था, अभी देखिए घना हो रहा है केला, फर्क। प्रूनिंग किया और ये कुछ हमने ये इसके बीज लाए थे तो गेंदा फूल उसके बीज, तो ये भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ पे है वो भी अच्छा खासा। आलू हमने डाला था, वो आलू के अंदर मतलब वो आम की कलम उगाई थी तो उसके लिए वो आलू भी उग गया, उगने दो उसको। चलो फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।